अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी कच्चे पपीते से बनाई जाती है, बट आज मैं आपके लिए एक यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ टूटी फ्रूटी की। हम आज तरबूज के छिलकों से टूटी फ्रूटी बनाने वाले हैं। इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता, ये सेम इसका टेस्ट उसी तरीके का होता है जिस तरीके का हम पपीते से बनाते हैं। इसके छिलकों को हमें पील कर लेना है इस तरह से, ये मैंने आपको सैंपल के लिए बताया है। बहुत ही आसानी से पील हो जाता है इसका छिलका, ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम इसको काट लेंगे। इसके अंदर का जो रेड पार्ट होता है तरबूज का, वो जितना आप निकाल सकते हो उतना आपको निकाल लेना है। इसको हम कट कर लेंगे छोटे छोटे पीस में। मैंने थोड़े बड़े ही पीस रखे हैं, आपको अगर और छोटा चाहिए तो आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है और बहुत ही कम पैसों में बन जाती है। आपको अलग से कोई पपीता वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। आप जो तरबूज लाते हैं घर पर, उनके छिलकों को आप वेस्ट ना करें। उनके छिलकों से आप बहुत ही टेस्टी टूटी फ्रूटी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इतने मोटे इसके पीस रखे हैं, आपको अगर छोटे चाहिए आप अपने हिसाब से रखिए। तो मैंने सारी टूटी फ्रूटी को कट कर लिया है, अब हम इसको बनाने चलते हैं। ये देखिए मैंने पानी बॉईल कर लिया था, अब इसमें मैं टूटी फ्रूटी ऐड करूँगी। आपको इस वक्त बहुत ही केयरफुली ऐड करना है टूटी फ्रूटी, क्योंकि हमारा पानी बहुत गर्म होता है, आपके हाथों पर उड़ सकता है। हम इसको लीड से कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर पका लेंगे। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, फुल फ्लेम पर मैंने इसको पकाया है। अब इसको ड्रेन आउट कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, ड्रेन आउट कर लिया है मैंने और ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब इस पानी को हमें फेंक देना है। तो पहले वाले पानी को मैंने फेंक दिया था, ये मैंने इसमें नया पानी ऐड किया है। 2 ग्लास मैंने इसमें पानी डाला था, 1 कटोरी भरकर मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। हमें इसका शुगर सिरप नहीं बनाना है, सिर्फ चीनी को मेल्ट कर लेना है पानी में। ये देख सकते हैं आप, चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसमें हम टूटी फ्रूटी को ऐड कर देंगे। फर्स्ट टाइम हमने इसलिए बॉईल किया था टूटी फ्रूटी को ताकि उसमें तरबूज की जो भी स्मेल हो वो निकल जाए। अब सेकेंड टाइम हम इसे मीठा होने के लिए बॉईल कर रहे हैं। अब इसको कवर कर देना है लीड से और 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर पकने देना है। ये मैं वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ इसमें, 1 टीस्पून भरकर ऐड किया है मैंने। तो देख सकते हैं आप, 10 मिनट हो चुके हैं, ये बॉईल हो चुकी है अच्छे से। इनको हम निकाल लेंगे प्लेट में।
ये मैंने इस तरह की प्लेट ले ली है, इसमें मैं इसको निकाल लूँगी। मैं सिर्फ दो कलर में बना रही हूँ इसलिए मैं दो अलग अलग पार्ट में इसको रखूँगी। आधा मैंने अलग प्लेट में निकाला है, आधा मैं अलग प्लेट में निकालूँगी। अगर आप और कलर के, ज़्यादा कलर के बनाना चाहते हैं, तीन से चार कलर के, तो आप इसके तीन से चार हिस्से कर ले। ये देखिए मैंने दो हिस्से कर लिए इसके। अब जो हमारी शुगर सिरप थी जिसमें हमने इनको पकाया था, वो मैं थोड़ी थोड़ी बूंदें इसमें डाल रही हूँ ताकि हम जब कलर डालें तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये येलो कलर मैंने डाल दिया, येलो और रेड कलर की बना रही हूँ मैं। आपको जो भी कलर पसंद है, जो आपका फेवरेट कलर है, आप उसकी बना सकते हैं। इसको मिक्स कर लेना है हमें। अब मैं इसमें रेड कलर डालूंगी, इसको भी मिक्स कर लेंगे। मेरे चैनल फूड विद आफिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये मिक्स कर लिया है हमने। अब हम इसको फ़ैन के नीचे सूखने के लिए रख देंगे एक से दो घंटों के लिए। तो ये देखिए एक से दो घंटे तक हमने इसको रखा था फ़ैन के नीचे, इसने कलर भी एब्जॉर्ब कर लिया है अच्छे से। अब हमने इस तरह की एक प्लेट ले ली है, उस पर मैंने किचन टॉवल को रख दिया है। अब हम इसको अच्छे से, ये ड्राई हो जाए इसलिए इसको फैला देना है हमें इस पर। पहले हमने जो दो घंटों के लिए इसको फ़ैन के नीचे रखा था वो कलर एब्जॉर्ब करने के लिए रखा था। अब हम इसको सूखने के लिए रखेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए, इसका स्टिकीपन जो है वो ख़त्म हो जाए। इसको मैंने अलग से रखा है। अब येलो वाली जो हमारी टूटी फ्रूटी है उसको हम अलग से रखेंगे। इसको हमें 5 से 7 घंटों तक फ़ैन के नीचे रखना है और आपको हर दो घंटे में जो किचन टॉवल है उसको चेंज करते रहना है क्योंकि वो गीला होता जाएगा। तो आप नया लेकर फिर उसके ऊपर डाल के फैलाएं और फिर से उसको सुखाएं। अगर आपके पास न्यूज़पेपर है तो आप न्यूज़पेपर पर भी फैला सकते हो, या इस तरीके से आप ऊपर से इसको थोड़ा थोड़ा पोंछते जाइए किचन टॉवल से हर दो घंटों में। मैं ओवरनाइट के लिए इसको रख रही हूँ, आप 5 से 7 घंटों के लिए भी इसको रख सकते हैं फ़ैन के नीचे। ये देखिए कितना पानी है इसमें। तो ये देखिए हमने ओवरनाइट इसको रखा था, कितनी अच्छे से हमारी टूटी फ्रूटी ड्राई हो चुकी है, सूख चुकी है और बनकर बिल्कुल रेडी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे केक में भी यूज़ कर सकते हो, आइसक्रीम में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।